हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक हफ्ते के अंदर तीसरी कैबिनेट बैठक हो जा रही है। आज भी सीएम सुखविंदर सुक्खू की अगुवाई कैबिनेट मीटिंग है। इस तो पहला सरकार ने 1 मार्च से फिर 3 मार्च को बैठक सदी सी। 3 मार्च की बैठक च सरकार ने पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2023 तो लागू करन दा फैसला लिया सी। दूसरा वड्डा फैसला 18 तो 60 साल की उम्र दियां महिलावां नूं 1500 रुपए देने का ऐलान हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की सत्ता से 11 दिसंबर 2022 को काबिज हुई सुक्खू सरकार लगातार अपनी गारंटियां पूरियां करन च लगी है। 3 मार्च नूं पहली चुनावी गारंटी पुरानी पेंशन योजना बहाली नूं 1 अप्रैल 2023 तो लागू करन दा फैसला लिया गया। इस फैसले तो सरकार ते सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए का वाधू वित्ती बोझ पवेगा।